ये कंपनी है ICCS। ये कंपनी मैंने देखा था काफ़ी टाइम पहले भी, यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी आई थी, तो इसलिए सोचा कि आज ये वीडियो बनाऊँ और बहुत सारे इस एरिया के वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करते रहूँ। चलो, ये कंपनी में हायरिंग चल रही है, कुछ लड़कों से मैं बात करता हूँ अंदर जो कि है वहाँ पर, रिज्यूम वगैरह सब चीज़ जमा कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं इनसे पूछ के फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आना भी चाहते हो तो जरूर आप आराम से आ सकते हो यहाँ पे। ये जो कंपनी है ICC, राइट, इस कंपनी में आप काम करते हो, ओके, तो क्या प्रोफाइल होती है, मतलब कौन कौन से प्रोफाइल पे ये काम कराती है और ये कंपनी किस बेस पे है, आप बताना चाहोगे? टेलीकॉलिंग कंपनी है। टेलीकॉलिंग कंपनी है, कॉलिंग का और चैट का दोनों प्रोसेस रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 12 पास होनी चाहिए। 12 प्लस होना, हाँ, वहाँ से स्टार्टिंग होती है। अच्छा, 12 पास भी यहाँ पे आ सकते हैं? 12 पास। अगर मैं किसी को रिज्यूम यहाँ पे भेजता हूँ फिजिकली विजिट करके तो इंटरव्यू दे सकता है वो? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि इंग्लिश ज़्यादा मांगे या डिमांडिंग हो या फिर वो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अगर इंग्लिश अच्छी है तो सैलरी बढ़िया है, अगर नॉर्मल है तो हिंदी का प्रोसेस है। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस पे काम होता है? BPO इंटरनेशनल बेसिस या फिर केवल BPO? तो कौन कौन से है, रिकवरी वगैरह लोन वगैरह का होता है या फिर बैंकिंग का, क्रेडिट कार्ड का, कैसा क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे नहीं है, B2H का है। हाँ, बैंकिंग का और इसे मुझे फाइनेंस का है और काफी सारे प्रोसेस है। अच्छा, आप लोग किस में काम करते हो? हम D2H पे करते हैं। D2S में, ठीक है। बेसिक सैलरी क्या होती है, सैलरी पैकेज की बात करूँ तो? सैलरी पैकेज 10,500 से स्टार्ट है। 10,500 से स्टार्ट है, मतलब नॉर्मल 10,500 स्टार्टिंग। अगर कोई एक्सपीरियंस बेसिस हो तो एज पर उसके प्रीवियस सिटी से, उसके इंटरव्यू के हिसाब से। चलो, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें मुझे शेयर करी। तो अगर कोई यहाँ पे आना चाहता हो तो आप एड्रेस कुछ बताना चाहोगे? सेक्टर 2 A91 ब्लॉक के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो सेक्टर 15। छुट्टी वगैरह कैसे होता है आप बता दो, छुट्टी क्या आती है यहाँ पे, छुट्टी कैसे प्रोवाइड करा थी? 9 से 6 तक नॉर्मल शिफ्ट। अगर वो जैसे हमारे इन्वॉल्व रहेगा तो उसमें तो रात नाइट की भी शिफ्ट रहे सब रहते हैं। तो छुट्टी क्या है, सैटरडे संडे होता है या फिर ऐसे रोटेशनल बेसिस? रोटेशनल बेसिस छुट्टी होता है, एक दिन छुट्टी होती है ना वीक में। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच दोस्त।